सिंध जलावर्धन योजना की पाइपलाइन बिछाने के दौरान ग्वालियर बाईपास क्षेत्र में सड़क किनारे गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं जो हादसों को खुलेआम आमंत्रण दे रहे हैं। इनमें से कुछ गड्ढों को खोदा गया था और कुछ पानी के प्रेशर से बन गए हैं, लेकिन इसके बाद इनके भराव की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। चूंकि यह मुख्य मार्ग है, यहाँ से बड़ी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है, इसलिए रात्रि के समय इन गड्ढों में गिरकर कई राहगीर घायल भी हो चुके हैं। लगातार लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी इन ना तो कंपनी इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। अब देखना है कि आखिर कब तक इन गड्ढों की जिम्मेदारी सुध लेते हैं या फिर यह गड्ढे इसी तरह राहगीरों के मुसीबत बने रहते हैं। सर हुसैन, ये आपके यहाँ पर गड्ढा खुदा है, क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी जी, अब हमसे कहीं 2-4 दिन में उसको बंद करवा देंगे, 1 महीने को आ रहे और खुला पड़ा। हमारी जन कल कौए रहती हैं, बाथरूम करने आगे बगल में जाते हैं और गई हैं बच्चे गिरने का डर रहता है। 1-2 बार तो गई है, तुम्हारे घर घुस गई, तुम्हारी बैटरी में गिर बैठी, उसको निकाली आदमियों ने। और कोई दिक्कत इसको बंद करवा दो आप। कब से खुला पड़ा है? मेरा महीने करीब होने को आ रहा है। आपसे 2 दिन का बोला गया, 1 महीने तक खुला पड़ा है, आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी से? हमने कैसे कहा, सरकारी काम है साहब, हो जाएगा, अपन क्या बोलते हैं इसमें, पानी की जा रही है समस्या, अपन क्या बोलें। लेकिन अब बहुत दिन हो गए इसलिए बोलना पड़ा है। और क्या डर लगा रहता है आपको बच्चों को लेकर? भाई हमारी फैमिली रहती है, आम आदमी वोट होती पहले वोट लगी हमारी, लगाई बंद पड़ी है, रोटी बनाने तक परेशान है, गैस नहीं है। और मेरे एक बच्चा अस्पताल भर्ती है, गाड़ी पलट गई, जो हम वैसे परेशान हुए, वो बीपी की मरीज वैसे ही हूँ, कम्बल हो जाती है मेरी। शिवपुरी से संजय चड़ार की रिपोर्ट।